有人。ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है भाई सब मजे में होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखकर हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कारीगरों और कुछ बेवकूफ लोगों के ऐसे ऐसे बेवकूफी भरे कारनामे दिखाएंगे जिनको देखकर आप खुशी के मारे जूम उठेंगे। तो देखो भाई, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए आप इसे पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि भाई लास्ट में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाई शुरू करें हम आज की इस अमेजिंग वीडियो को। दोस्तों, आरसीसी रोड बनाने के अक्सर कुछ ही सालों बाद बीच में से फट जाती है। खैर, अब तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ठेकेदार सड़क बनाते टाइम ही उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, लेकिन पहले अक्सर ऐसा ही होता था। जैसे कि आप इस सड़क को ही देख लीजिए, यहाँ पर ये सड़क फट गई थी, तो फिर क्या था, किसी महान पुरुष ने आकर इसको टेप से चिपका दिया। वह भाई, मानना पड़ेगा क्या दिमाग लगाया है, अब तो ये सड़क भी अमर हो गई। दोस्तों, एक और सरकार अपने क्लीन इंडिया मिशन यानी कि भाई स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बनाने में लगी है, और दूसरी ओर ये महान लोग शौचालय का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, अब शौचालय में दुकान कौन लगाता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे दोस्तों, आपको नहाने में सबसे ज्यादा कहां पर मजा आता है, घर पर या स्विमिंग पूल में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, ये स्विमिंग पूल तो हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सिविल इंजीनियरों का स्विमिंग पूल देखा है? मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए, ये रहा सिविल इंजीनियरों का स्विमिंग पूल। गजब बेइज्जती। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि बाहर जो सरकारी शौचालय होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये महिला शौचालय है और ये पुरुष शौचालय है। अब उन्हीं शौचालय में से एक शौचालय ये भी है, लेकिन यहाँ पर मिस्त्री साहब ने एक बहुत बड़ा फंडा गढ़ दिया। फंडा ये किया कि मिस्त्री साहब ने दोनों दरवाजों पर अलग अलग मेन और वुमेन टॉयलेट तो लिख दिया, लेकिन ठीक इन दरवाजों के ऊपर उल्टा लिख दिया, मेन वाले पर वुमेन और वुमेन वाले पर मेन। अरे भाई, टॉयलेट करने वाले का टॉयलेट तो यही सोचने में निकल जाएगा कि मैं इसमें जाऊं या फिर इसमें। दोस्तों, खाना खाते वक्त कई बार खाना हमारे चेहरे पर लग जाता है, और जब तक कोई दूसरा हमें बताता नहीं तब तक भाई हमें पता भी नहीं चलता है। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, ये तीनों लड़के बड़े ही मजे से खाना खा रहे हैं, लेकिन तभी बीच में बैठे लड़के के चेहरे पर थोड़े से चावल लग जाते हैं, और उसे भी हमारी तरह बिल्कुल भी पता नहीं चला। इतने में इसका दोस्त ये देख लेता है, और वो इसे इशारे से बताता है कि तेरे चेहरे पर चावल लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं ये लड़का क्या समझ जाता है, और फिर कुछ ऐसा करता है कि मेरी तो अभी तक ऐसी नहीं रुकी, जरा आप खुद ही देखिए। अगर दोस्तों आप गांव से हैं, तो भाई आप एक बात से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि गांव का जो सरपंच होता है वो उन लोगों की ज्यादा मदद करता है जिन्होंने सरपंच बनाने में उसका पूरा साथ दिया, यानी कि उसको पूरा सपोर्ट किया। अब कुछ ऐसा ही हाल यहां पर भी है। इस सड़क को देखकर मुझे यही लगता है, इस पूरी गली में बस इसी शख्स ने सरपंच को वोट दिया था, इसीलिए सरपंच साहब ने इसी के घर के सामने सड़क बनाई। देश संकट में है। दोस्तों, अगर वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मजा आ रहा है तो फिर जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप अभी जिन बाबा जी को स्क्रीन पर देख रहे हो, ये दुकानों के आगे बिन भजा भजा कर अच्छी खासी कमाई कर ही लेते हैं, लेकिन इस बार ये जिस दुकान के आगे बिन भजा रहे हैं, उस दुकान के मालिक ने इनके साथ कुछ ऐसा किया कि बाबा जी तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बस हवा निकल गई। दोस्तों, बरसात के टाइम पर सड़कें पानी से भाई पूरी चकाचक हो जाती है। अब इसी पानी को निकालने के लिए सड़क बनाते समय नाले बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी बनाया हुआ है, लेकिन इसको देखकर कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि इसके अंदर बरसात का पानी भी जाता होगा। हाँ, अगर कोई बाल्टी भरकर अंदर डाले तो भैया वो बात अलग है, लेकिन हाँ भाई, ऑटोमेटिक तो जाने से रहा।
दोस्तों एरोप्लेन में लगभग हमारे लिए सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन भैया वहीं पर स्मोकिंग वगैरह करना भी वर्जित होता है, और सही भी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते। अब कुछ उन्हीं लोगों में से एक ये सरदार जी भी है जो कि प्लेन के अंदर बैठे बैठे तंबाकू खा रहे हैं। भैया इसे बोलते हैं असली तंबाकू लवर। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। दोस्तों बहुत सारे लोग आलसी होते हैं, यानी कि भैया वो अपने काम को करने में कंजूसी करते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी है। ये मिस्त्री साहब का हेल्पर जिस हिसाब से इनकी दीवार बनाने में हेल्प कर रहा है भाई, उस हिसाब से तो ये इस घर को 7 जन्म में भी कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा, अगर हाँ तो भैया फिर जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।